हेलो सत श्री अकाल सलाम नमस्ते अदाब के मन अच्छे कैसन बा। सो वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ इंडियन रिएक्टर्स। और आज हम वापस हाजिर हुए हैं जी आपकी भोजपुरी मूवी का ट्रेलर रिएक्शन लेकर। और हमेशा से आप कह सकते हो कि जब भी एक वीक में एक बार तो हम पूरी ट्राई करते हैं कि हम भोजपुरी मूवी पे रिएक्शन दें, क्योंकि भोजपुरी मूवीज जो आप बात करें कि मेरी तो पर्सनली बहुत फेवरेट है, बाकियों का मुझे पता नहीं, बट मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि एक हफ्ते में एक बार तो जरूर कोशिश की जाए भोजपुरी मूवी पे रिएक्शन देने की। सो आज जिस हम मूवी पे रिएक्शन दे रहे हैं जी, उस मूवी का नाम है जी पगलू। मंतोष कुमार जी की ये मूवी है, वो शायद इसमें मेन लीड हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, वो तो मुझे पता नहीं, वो तो हम वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। बट मूवी का नाम है जी पगलू। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ज्यादा बातें नहीं करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपका भोजपुरी मूवी का ट्रेलर रिएक्शन, और बाकी डिस्कशन करेंगे मूवी के बारे में ट्रेलर देखने के बाद। सो अभी हम जल्दी से आपको लिए चलते हैं मूवी की ओर और देखते हैं मूवी का ट्रेलर। चलिए पहली भोजपुरी मूवी ना एंटरटेनमेंट कंपनी और हर जगह सन्नाटा छा जाए तो बुझिया की कुछ गड़बड़ होगी वाला बात। फिल्म के भूत ना उतर रही ना तो हमरो नाम प्रमोद ना। जब दिल में मोहब्बत हो तो कौन ताबीज काम ना करेला। तो फिर लगे दिमाग पा कि भूसा फिर तो ऐसे प्यार करे नी संतोष राणा।
जी की ये डायरेक्टर तो ये थी आपकी मूवी पगलू, और नाम कहीं पगलू है, नाम से ही पगलू है भाई साहब, लेकिन अंदर जो एक्शन भरा हुआ है, जो रोमांस तो चलिए थोड़ा बहुत है, लेकिन एक्शन मूवी है ये मेन, और जो अंदर एक्शन भरा हुआ है भाई साहब, भर भर के एक्शन किया गया इस मूवी में। और जो एक्टर हैं उनकी तो मैं तारीफ करूंगा ही, क्योंकि उन्होंने अपनी जो फिटनेस लेवल है उसको मेंटेन किया हुआ है, बहुत अच्छी फिटनेस लेवल है उनका। और एक्शन सीक्वल्स में जब स्टंट्स हैं वो भी उन्होंने खुद किए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे जो हैं आप कह सकते हो स्टंट मैन से करवाए हो या इस प्रकार का नहीं है, ये एक्टर इतने फिट हैं कि इन्होंने ये एक्शन सीन्स खुद किए हैं। और जब आप कह सकते हो कि नो जो बड़े जितने भी भोजपुरी मूवी के बड़े बड़े स्टार हैं वो एक्शन सीन्स खुद थोड़े बहुत खुद करते हैं, थोड़े बहुत जो स्टंट वाले सीन होते हैं वो स्टंट मैन से करवाए जाते हैं, लेकिन इन्होंने ये स्टंट्स खुद किए हैं क्योंकि इनकी फिटनेस लेवल बहुत ही कमाल की है। और दूसरा हम बात कर रहे थे पिछली मूवी में भी हमने इस चीज के बारे में बात की थी कि हमने बहुत इस चीज के बारे में हमने डिस्कशंस किया था कि जैसे कि पवन कुमार जी हैं और खेसारी खेसारी लाल जी हैं, उन्होंने अपनी बॉडी पे वर्क करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी फिटनेस को आप कह सकते हो कि और बढ़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि उनकी फिटनेस के बारे में बात करें तो पहले से ही उनकी जो फिटनेस है वो बहुत अच्छी थी, कोई डाउट नहीं है इस बारे में कि उनकी फिटनेस, हालांकि हमने पिछली मूवीज में भी डिस्कशंस किया था इस बारे में कि उनकी जो बॉडी है उन पे तो पवन कुमार जी ने भी काफी बहुत, खेसारी लाल यादव जी ने जो उनकी पिछली मूवी पे हमने रिएक्ट किया उसमें आपने देखा ही होगा कि खेसारी लाल यादव जी ने कितना बेहतरीन काम किया अपनी बॉडी पे। भाग खेसारी भाग मूवी है जो उनकी, उसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। और इस मूवी में बात करें इनका जो एक्टर है वो काफी आप कह सकते हो कि फिटनेस पे काफी अच्छा काम किया है उन्होंने भी अपनी बॉडी पे, सो ये देख कर अच्छा लग रहा है कि भोजपुरी मूवी एक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर है, जहाँ पे पहला सिर्फ ये देखा जाता था कि जो बस एक्टर है वो अपना आप कह सकते हो फाइट सीन्स तो करता था लेकिन बॉडी की तरफ इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। अब पहले मुझे याद है अभी भी मनोज तिवारी होते थे और होते थे रवि किशन होते थे, तो उनकी बॉडी बॉडी मतलब अब ठीक थी पर इतना नहीं था कि फिट नहीं थे, आप कह सकते हो कि एब्स वगैरह नहीं थे उनके। बट आजकल जो भी एक्टर्स आ रहे हैं वो फिटनेस पे काफी ध्यान दे रहे हैं, एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं, एक नए बेंचमार्क सेट कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। और आप कह ही सकते हो कि आपने देखा ही होगा कि पिछले कुछ मूवीज से जितने भी, अब इसी वजह से आप देखते हो खेसारी लाल यादव जी हैं, पवन कुमार जी हैं, उन्होंने भी अपनी बॉडी पे वर्क करना शुरू कर दिया है क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो आने वाले एक्टर्स हैं वो बहुत फिट होंगे, तो उन्हें भी अगर कॉम्पिटिशन में रहना है, इनके साथ कंपीट करना है, तो उन्हें भी इस प्रकार की बॉडी बनानी होगी। अदरवाइज आपको पता है कि इस प्रकार की अगर बॉडी उनकी अच्छी नहीं होगी तो फिर वो कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। और आजकल के टाइम में नाम एक अलग चल रहा है, वो अलग बात है कि उनका नाम चलता है, उनकी मूवीज बिना उसके भी हिट हो जाएंगी, लेकिन जब दूसरे लड़के बॉडी बनाएंगे तो फिर अपने आप ही उन्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा, और वो हार्डवर्क कर भी रहे हैं, उन्होंने काफी अच्छा काम किया अपनी बॉडी पे। और बाकी मैं भोजपुरी मूवीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आपको पता ही होता है कि भोजपुरी मूवीज आप कह सकते हो सारी ऑलराउंड पैकेज होता है, क्योंकि इस मूवीज में सब कुछ होता है, आपको हर चीज वो देखने को मिलेगी, रोमांस मिलेगा, गाने मिलेंगे, गाने भी हर प्रकार के होते हैं, रोमांटिक गाने भी हैं, आइटम नंबर्स भी हैं। और बेसिकली आप मूवी के बारे में स्टोरी के बारे में बात करें तो एक विलन होता है जो लड़कियों की तस्करी करता है, लड़कियों को बेचता है, और हीरो उसी चीज को रोकता है, और अपनी लव स्टोरी भी चलती है बीच में, सो इस प्रकार से ऑलराउंड मूवी है। आई होप आपको ये मूवी का ट्रेलर रिएक्शन पसंद आया हो, आप इसी तरह और मूवी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो का लिंक दे देंगे तो और भी अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।